गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। आज मैं तुम लोगों को तुम्हारे बुक का पर्यावरण सुरक्षा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पर्यावरण सुरक्षा पाठ में बताया गया है कि हमें किस तरह से अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की शुद्धता ही हमारे जीवन का जो है आगे, हमें जीवन में आगे बढ़ने का स्रोत है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग भी बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित होंगे। तो इस कविता को मधुर अथैया ने लिखा है। इस कविता के कवि कौन है? मधुर अथैया है। कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो मैं तुम लोगों को बोर्ड पर लिख दी हूँ, तो हम इसका पहले वाचन करेंगे, पहले इसे पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? पर्यावरण शुद्ध रखकर ही जीवन सुखल बनेगा, जीवन सुखल बनेगा साथी, जीवन सुखल बनेगा। भोर में पक्षी कल कलरव, वन उपवन हर्षाते, बने प्रकृति की खाती, निर्जर कल कल स्वर में गाते। इस सुमधुर संगीत गीत से जीवन सुखद रहेगा, जीवन सुखद रहेगा साथी, जीवन सुखद रहेगा। हरी प्रकृति की गोद सुहावन, धन संपत्ति वरदानी, पर्यावरण सुरक्षित करके रित निभे कल्याणी। तब धरती के जीव जंतु का जीवन बना रहेगा, जीवन बना रहेगा साथी, जीवन बना रहेगा। तो ये 10 लाइन आज मैं तुम लोगों को 10 पंक्तियां ही बताने जा रही हूँ। उसके बाद तुम लोग इस तरह से इसका वाचन करोगी, इसको बोलकर पढ़ोगे तुम लोग। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि? पर्यावरण शुद्ध रखकर ही जीवन सुखल बनेगा। हमारा जीवन जो है, पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। जीवन सुखल बनेगा साथी, जीवन सुखल बनेगा। हमारा जीवन तभी सफल बनेगा, तभी सही हमारे जीवन का लक्ष्य तभी सही पूरा होगा जब हम पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। भोर हुए पक्षी कर कलरव, वन उपवन हर्षाते। भोर हुए पक्षी कर कलरव, भोर कहने का अर्थ है सुबह सुबह, प्रातः। जैसे ही हम लोग सोकर उठते हैं तो सुबह का प्रातः, जब सुबह की किरणें निकलती हैं तो पक्षी का कलरव, पक्षी का चहचहाना हम लोगों को सुनाई देता है। वन उपवन हर्षाते, हमारे वन उपवन जो है, वन हो गया, उपवन बगीचे हो गए, ये सभी ऐसे देखने से लगता है कि वे सब खुशी हैं, खुश हैं। सुबह सुबह का मौसम जब बाहर निकल कर देखोगे तुम लोग बगीचे में, तो कैसा लगता है? लगता है कि सभी फूल पुष्प पेड़ पौधे सभी जो है खुशी से झूम रहे हैं। बने प्रकृति की थाती, निर्जर कल कल स्वर में गाते। बने प्रकृति की थाती, इस प्रकृति की थाती करने का अर्थ है हमारा विरासत। हमारे विरासत में जो हमें, जैसे हमें प्रकृति का विरासत क्या है? प्रकृति का विरासत जो है ये पेड़ पौधे ही है, पानी की पानी है, ये सभी जो है प्रकृति का दिया हुआ जो है, ये विरासत में जो मिला हुआ है, ये सभी कल कल स्वर में गाते हैं। इस सुमधुर संगीत गीत से जीवन सुखद रहेगा। इस सुमधुर संगीत गीत से, ये सुमधुर संगीत गीत से ही हमारा जीवन सुखद रहेगा। जैसे पानी की धारा, पानी जहां पर कलकल की आवाज होती है, पानी की धारा जहां बहती है, वहां सुनने से उसका धुन जो है, उसका संगीत जो है बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। तो जीवन सुखद रहेगा साथी, जीवन सुखद रहेगा। इस सुमधुर संगीत से ही हमारा जीवन क्या होता है? सुखद हो सकता है। हरी प्रकृति की गोद सुहावन, इस प्रकृति की गोद किस तरह की है? इस प्रकृति का गोद करने का मतलब प्रकृति में जो भरे हुए हैं, जो सामान हमें प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है, तो इस प्रकृति की गोद सुहावन। गोद सुहावन कहने का मतलब है बहुत ही सुनहला, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यह हरा भरा होता है। धन संपत्ति वरदानी, यही सब हमें धन संपत्ति में, हमें प्रकृति में क्या मिला है? यही हरे भरे खेत, हरे भरे पेड़ पौधे और उससे मिलने वाले फल फूल गैस, ये सभी ही हम लोगों को जो है वरदान में मिला है।
पर्यावरण सुरक्षित करके रीत निभे कल्याणी। तो इस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा करके ही हमें इस रीत से, इस प्रकृति से हमें हमारा कल्याण होगा। निभे कहने का अर्थ है कल्याण होना, कल्याण हो सकता है। तब धरती के जीव जंतु का जीवन बना रहेगा, तभी जो है इस धरती का जीव जंतु का जीवन बना रहेगा। जीवन बना रहेगा साथी, जीवन बना रहेगा। तो इतना 10 पंक्ति है, इसको तुम लोग इसी तरह से बोल बोल कर पढ़ोगे और इसको अपनी कॉपी में लिखोगे। उसके बाद इसमें वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इतना तुम लोग इस पार्ट से इतना तुम लोग करोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।